भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। जडेजा इस वक्त टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 2 गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो वनडे टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 वनडे के लिए चुनी गई टीम के लिए जडेजा को एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भारतीय टीम में लगातार नजरअंदाज किए जा रहे जडेजा अपने गुस्से की वजह से अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जडेजा ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपना एक फोटो शेयर किया जिसमें वे धुआं उड़ाते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने इसका कैप्शन तो ज्यादा ही विवादास्पद दे दिया। वैसे अभी ये तय नहीं है कि जडेजा इस कैप्शन के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। जडेजा ने लिखा, मेरे पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मैंने कल रात को होटल के बाहर शानदार नाइट आउट पार्टी मनाई। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में जडेजा बाहर थे, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए। ऐसे में जडेजा को पहले 3 मैचों के लिए बैकअप के तौर पर टीम से जोड़ लिया गया, लेकिन फिर भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। जडेजा से फील्डिंग तो खूब करवाई गई, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी या गेंदबाजी का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। अब अक्षर फिट हो गए हैं तो आखिर 2 वनडे के लिए जडेजा को फिर से टीम से बाहर कर दिया गया है। पिछले कुछ समय से लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जडेजा का प्रदर्शन गेंद और बल्ले से बहुत ही खराब रहा। वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जडेजा ने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत खराब प्रदर्शन किया था, वहां वो 5 मैचों में सिर्फ 4 विकेट ले पाए थे। साथ ही वेस्टइंडीज में उन्होंने 2 मैच खेले और 1 भी विकेट नहीं ले पाए। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।